हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्र। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस मंत्र में। इस वीडियो में हम करंट अफेयर से रिलेटेड लेकर के टॉपिक आए हैं आपके लिए, और ये जो वीडियो है ये सक्सेस मिरर का मई मंथ से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, अगर आप UPPSC की और लोअर पीसीएस की, UPSSSC की और इसके साथ साथ ही KVS की, NVS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगा। सो आप इस वीडियो को पूरा बिल्कुल भी आप इसे स्किप मत कीजिएगा और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो क्रम बाई क्रम देखते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो से निकल के आएंगे आपके लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला जो पॉइंट है वो क्या है, देखिए आप इसको देख पा रहे होंगे, समसामयिकी घटना चक्र है। और पहला है, हेलसिंकी में संपन्न 38वीं अंतर्राष्ट्रीय जीवी मुक्केबाजी में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है। देखिए आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, और ये जो वीडियो है ये बहुत यूजफुल होगा आप लोगों के लिए। तो देखिए क्या है इसमें, हेलसिंकी में संपन्न 38वीं अंतर्राष्ट्रीय जीवी मुक्केबाजी में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता है कविंदर सिंह विष्ट हैं। और नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए पुरुष महिला मुक्केबाजों के लिए क्रमशः कितने भाग वर्गों में अंतिम रूप दिया गया है। तो ये देखिए इसको कि कितने भार वर्गों को अंतिम रूप दिया गया है, तो 8 से 5। फिर अगला देखिए, हाल ही में विश्व स्वर्ण परिषद द्वारा स्वर्ण भंडारण के संदर्भ में जारी सूची में भारत किस स्थान पर है, तो 11वें स्थान पर है, 11वें स्थान पर है। क्वेश्चन समझ लीजिए, विश्व स्वर्ण परिषद द्वारा जो स्वर्ण भंडारण के संदर्भ में जारी सूची में भारत किस स्थान पर है, 11वीं स्थान पर है। अगला देखिए, हाल ही में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने किस कंपनी को एसआर स्टील के अधिग्रहण को मंजूरी दी है, तो ऑर्सेनल मित्तल, ये इसका सही आंसर होगा, ऑर्सेनल मित्तल। और इसके बाद अगला देखिए, ICD का पूर्ण रूप क्या है, तो ICD का पूर्ण रूप है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ICG, ऑर्गेनाइजेशन फॉर और इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये ICG का पूर्ण रूप है। और इसके बाद देखिए, 6 मार्च 2019 को कौन सा 61वां शतरंज ग्रांड मास्टर बना है, बताइए कि 6 मार्च 2019 को कौन भारत का 61वां शतरंज ग्रांड मास्टर बना है, तो ये है इनियाल पनीर सेल्वम, इनियान पनीर सेल्वम बने हैं। फिर से देख लीजिए, 6 मार्च 2019 को कौन भारत का 61वां शतरंज ग्रांड मास्टर बना है, तो इनियान पनीर सेल्वम। ये सक्सेस मिरर है, सक्सेस मिरर, सक्सेस मिनर ये मैगजीन है, तो आप लोग इसको बिल्कुल पढ़िए, करंट अफेयर्स आप लोगों का इससे बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद देखिए, बैडमिंटन प्रतियोगिता जर्मन ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो केंटो मोमोटा। बैडमिंटन जो प्रतियोगिता हुई थी उसका जर्मन ओपन का पुरुष एकल खिताब केंटो मोमोटा ने जीता है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता केन्या इंटरनेशनल 2019 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो बी एम राहुल भरद्वाज। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 मार्च 2019 को संपन्न भारत की फुटबॉल प्रतियोगिता आई लीग 2018 और 19 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो ये है चेन्नई सिटी। फ्रेंड्स, आप इसको इसका नोट्स भी बना सकते हैं, इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। और देखिए, 15 मार्च 2019 को फुटबॉल प्रतियोगिता कोपा अमेरिका 2020 के सह मेजबान देशों की घोषणा की गई है, वे दो देश कौन से हैं, अर्जेंटीना एवं कोलंबिया। 15 मार्च 2019 को जो फुटबॉल प्रतियोगिता कोपा अमेरिका 2020 के सह मेजबान देशों का घोषणा जो की गई है, वे देश कौन कौन से हैं, तो अर्जेंटीना एंड कोलंबिया। अगला देखिए,
17 मार्च 2019 को संपन्न भारत की पेशेवर फुटबॉल में से एक इंडियन सुपर लीग 2018-19 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो बेंगलुरु एफसी, बेंगलुरु एफसी इसका आंसर होगा। बेंगलुरु एफसी। अगला क्वेश्चन देखिए, 17 मार्च को डेट बाय डेट दिया गया है, 17 मार्च को 2019 को टोक्यो ओलंपिक। 2020 का टिकट पाने वाले भारतीय एथलीट की उपलब्धि किसने प्राप्त की है? तो के टी इरफोन ने, जो 17 मार्च 2020 को टोक्यो ओलंपिक 2020 का टिकट पाने वाले भारतीय एथलीट को की उपलब्धि किसने प्राप्त की है? के टी इरफान ने। अगला देखिए, 13 मार्च 2019 को संपन्न हॉकी प्रतियोगिता बॉम्बे गोल्ड कप 2019 का खिताब किसने जीता है? इंडियन ऑयल ने। अगला देखिए, 17 मार्च 2019 फॉर्मूला एक सत्र 2019 की पहली रेस ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? तो वॉल्टेरी बोटास। अगला क्वेश्चन देखिए, महिला गोल्फ प्रतियोगिता दक्षिण अफ्रीका ओपन 2019 का खिताब किस गोल्फर ने जीता है? तो दीक्षा डांगर। महिला गोल्फ प्रतियोगिता दक्षिण अफ्रीका ओपन 2019 का खिताब किस गोल्फर ने जीता है? तो दीक्षा डांगर ने। अगला देखिए फ्रेंड्स, विश्व में सबसे सस्ता मोबाइल डाटा किस देश में मिलता है? तो भारत में। देखिए, विश्व में सबसे सस्ता मोबाइल डाटा किस देश में मिलता है? तो वो मिलता है भारत में। इसके बाद देखिए, 17 है, 13 मार्च 2019 को भारत की किस कंपनी ने 6 लाख करोड़, 6 ट्रिलियन, अब देखिए लाख करोड़ 6 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण आंकड़े को पार किया है? तो HDFC बैंक। देखिए, 13 मार्च 2019 को भारत की किस कंपनी ने 6 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण के आंकड़े को पार किया है? तो HDFC बैंक ने। अगला देखिए, वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परियोजना में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी होगी? तो सऊदी अरामको की। वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परियोजना में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी होगी? तो सऊदी अरामको। अगला देखिए, 7 मार्च 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत और ब्रिटेन के बीच कैंसर अनुसंधान पहल पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की गई है। 5 वर्षों की अवधि में इस पहल के तहत कैंसर अनुसंधान पर कितनी धनराशि व्यय की जाएगी? तो इसका आंसर होगा 10 मिलियन पाउंड। अगला क्वेश्चन देखिए, नाइट फ्रैंक प्राइम इंटरनेशनल रेजिडेंशियल इंडेक्स में मुंबई को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 16वां स्थान प्राप्त हुआ है नाइट फ्रैंक प्राइम इंटरनेशनल रेजिडेंशियल इंडेक्स में मुंबई को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला देखिए, 17 मार्च 2019 को संपन्न टेनिस प्रतियोगिता इंडियन वेल्स 2019 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो डोमिनिक थेल ने, डोमिनिक थेल ने। फ्रेंड्स, आप नोट डाउन करके नोट्स भी बना सकते हैं। और देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न 3 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों की श्रृंखला इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम ने जीत ली है। श्रृंखला में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया है? तो डेनियले ब्याट को। अगला क्वेश्चन देखिए, डेनियले ब्याट को चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 मार्च 2019 को अफगानिस्तान आयरलैंड के मध्य संपन्न 5 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैचों की सीरीज में किसे प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है? तो एंड्रयू वलवीर ने, एंड्रयू वलवीर ने। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन T20 क्रिकेट में 8,000 रनों का आंकड़ा पार करने वाला प्रथम भारतीय बना है? तो ये है सुरेश रैना। हाल ही में T20 क्रिकेट में 8,000 रनों का आंकड़ा पार करने वाला प्रथम भारतीय बना है सुरेश रैना। अगला क्वेश्चन, 13 मार्च 2019 को संपन्न भारत ऑस्ट्रेलिया एक दिवसीय श्रृंखला में किसे प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है? तो आंसर होगा इसका उस्मान ख्वाजा।
फिर अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्रालय ने अखिल भारतीय कैरम संघ को औपबंधिक मान्यता प्रदान की है। कैरम खेल को किस श्रेणी में रखा गया है? तो यहाँ पर अन्य श्रेणी में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में संपन्न भारत की घरेलू T20 प्रतियोगिता सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो कर्नाटक में। हाल ही में संपन्न भारत की घरेलू T20 प्रतियोगिता सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? तो कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं की आजीविका वृद्धि हेतु विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर का समझौता किया गया है? तो 250 मिलियन डॉलर, 250 मिलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत सरकार, विश्व बैंक और 5 राज्यों के प्रतिनिधियों ने बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना हेतु कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त वित्त पोषण के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 137 मिलियन अमेरिकी डॉलर। हाल ही में जारी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े के अनुसार फरवरी 2019 में भारत में बेरोजगारी दर हो गई है 7.2%, 7.2% हो गई है। फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और हम आपके लिए कंटिन्यू वीडियोस लाते रहेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास सारी अपडेट्स मिलती रहें। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।